माशाल्लाह भाई बिरयानी आ गई है जबरदस्त। एक मंगा क्या बोल रहे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से ठीक ठाक मजे में होंगे। खुशगवार सुबह से आपको बहुत ज्यादा खुशामदी। आज का जो है बिल्कुल नॉर्मल सा वर्किंग डे है, लेकिन आज मेरे और आपके लिए कुछ खास है। आज मैं यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ और देखते हैं कि मेरा और आपका टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह गुजरता है। हम उस टाइम में क्या कुछ डिस्कवर करते हैं, क्या चीजें एक्सप्लोर करते हैं और हमारा टाइम किस तरीके से हम स्पेंड करते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर ना। तो अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, आज मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ और दोस्त के साथ बाइक पे चलते हैं यूनिवर्सिटी। तो दोस्त को कॉल कर दिए, आ रहे रास्ते में, वो आ जाए तो फिर इंशाल्लाह अपना सफर शुरू करते हैं। आ जाए सुलेमान भाई, आ चुके हैं, बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। यार स्कूल के टाइम सुबह का वक्त कितना जबरदस्त होता था ना यार। सुबह जल्दी से उठो, फिर वैन का इंतजार करो, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, वैन आ जाए, वैन कभी निकल जाए तो फिर मसला। अब यार अब वैन निकल गए, अब कैसे जाएंगे स्कूल, फिर वैन आए। और कभी कभी तो सुबह स्कूल के टाइम उठने में इतना गुस्सा आता था, इतना बुरा लग रहा होता था यार, जल्दी से छुट्टी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या हाल है भाई? खैरियत से भाई? तू तो तैयार व्यार हो गया है यार? बस है भाई, माशाल्लाह तैयार करो। मेरी पहली क्लास सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक की है, फिर उसके बाद 3.5 घंटे का गैप है। उस 3.5 घंटे में मैं क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता। और फिर मेरी नेक्स्ट क्लास 3:00 से 6:00 बजे तक की है। भाई अभी 20 मिनट की ब्रेक मिली है, तो मैं ज़रा बाहर निकला हूँ क्लास से। क्लास में एंटर हुआ था, लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, सर ने जो है पढ़ाना शुरू कर दिया था। अच्छी बात यह है कि वो उन्होंने प्रेजेंट नहीं ली थी, तो इस वजह से आपके भाई की प्रेजेंट लग गई। ये हमारे उबैद भाई हैं, इन्होंने क्लास मिस कर दी है। जी भाई, क्लास मिस कर दिया आपने? यार लेट हो गया, काम कर लेट हो गए भाई, काम कर रहे थे। मेरी क्लास शुरू हो गई थी और मुझे अभी 20 मिनट का ब्रेक मिला है, तो अभी मैं और उबैद स्पोर्ट्स वाले एरिया में आए हैं। अंदर रश बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए जब ये वाली क्लास खत्म हो जाएगी ना, फिर इसके बाद यहाँ अंदर आएंगे और थोड़ा गेम शेप खेलेंगे। भाई पट्टी में तो एक्सपर्ट है, डब्बू में भी एक्सपर्ट है, अच्छा स्नोकर में भी। चलो स्नोकर में तो देखेंगे अभी। अभी उबैद भाई को मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि क्लास में लेट आए थे, इनको समझ में आया नहीं था, इन्होंने मेरे को अपना ट्विटर बना लिया। जी उबैद भाई। जी भाई, ट्विटर भाई कैसे समझा रहे हैं आपको? फर्स्ट बहुत सही, सुन एवरेज है, मतलब एवरेज है, 10 out of 6। चलो फिर मैं जा रहा हूँ। अरे बैठो बैठो, सब्जी बिरयानी खिलाएंगे। हाँ फिर सही, फिर समझा देता हूँ। ये चेक करें भैया, यार सर में नमाज का टाइम हो गया, 11th फ्लोर पर मस्जिद है ना, तो ये मस्जिद का व्यू चेक करें। इस तरफ मस्जिद है, उस तरफ पीछे वजू खाना है, और ये आप सामने व्यू चेक करें। अच्छा सामने कैफे दिया हुआ है और ये सारा सिटिंग एरिया है। मेरी एक क्लास खत्म हो चुकी है, अब मेरे पास 3.5 घंटे का गैप है, तो नमाज पढ़ने के बाद कुछ खाने के लिए चलते हैं और देखते हैं कि फिर हम खाने के बाद कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। भाई दूर से नजर आया नसीब बिरयानी वाला, भूख लग रही थी, यूनिवर्सिटी से बाहर है क्योंकि भाई ने बताया नसीब बिरयानी वाला यहाँ पे करीब में ही है, तो मिला यार के भूख की क्रेविंग को नसीब बिरयानी वाले से थोड़ा कम करा जाए, तो अभी नसीब बिरयानी वाले के पास जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी से बाहर है थोड़ा आगे जाके, और मैंने कभी इसकी बिरयानी ट्राई नहीं करी, आज ट्राई करूंगा। नसीब पहुंच गए नसीब बिरयानी सेंटर, वाह वाह, वो देखे उस तरफ है यूनिवर्सिटी, और ये आइए बिरयानी वाला।
चलते हैं। अभी सवा एक हो रहा है और मैं नसीब बिरयानी पर आया हूँ। पहले एक किलो मंगवाई तो इतना बड़ा थाल आ गया, मतलब ये तो पूरा ही नहीं होगा, तो आधा किलो मंगवा ली, तो एक प्लेट लेकर आ गया। एक काम करते हैं, ये खाते हैं, अगर कम पड़ेगी तो और मंगवा लेंगे। पता नहीं है ना, छोटी थाल है, बड़ी मंगाते हैं। बिरयानी आ गई है, बिरयानी दिखने से तो बहुत जबरदस्त लग रही है, ये खा के पता चले कि भाई नसीब की बिरयानी वाकई में नसीब की बिरयानी है। आधा किलो वाला थाल लिमटा दिया, अभी एक किलो वाला कि माने बिरयानी इतनी जबरदस्त है, मजा आ गया यार। एक किलो का थाल दे गए, इस बंदे ने बोला था एक किलो का थाल भी है ना, तो आप छोड़ेंगे नहीं, पूरा कर जाएंगे। हम लोग आप पागल हो गया, लेकिन वाकई में बिरयानी खा के जो टेस्ट महसूस हुआ ना, जो मजा आया, तो सही बोला था यार। अब इसको भी निमटाना है, टिकट का पीस चेक करें कितना पड़ा है। लिटरली बिरयानी बहुत जबरदस्त थी, बिरयानी को अगर मैं रेट देना चाहूँ ना तो 10 out of 10 दूंगा। यहाँ पे चाय पराठे की होटल भी है, मतलब सुबह सुबह बंदा अगर चाय पराठे खाए तो वो भी इंजॉय कर सकता है। अच्छा यहाँ पे सबवे भी है वो रहा, लेकिन सबवे बंद है। अभी स्नोकर के लिए ना हमें यहाँ से उतर के यूँ जाना पड़ेगा, वहाँ सारा है ना, मतलब स्नोकर और पट्टी और ये सारा सिस्टम वगैरह रखा हुआ है। ग्राउंड पीछे है ना, तो ग्राउंड से उतरते ही आप नीचे आओ, लेकिन वहाँ जहाँ पे पट्टी रखी हुई है ना, वहाँ गर्मी बहुत है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए पट्टी वगैरह तो नहीं खेलेंगे। अंदर एसी वाले रूम में स्नोकर वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पट्टी वगैरह रखा हुआ है, लेकिन यहाँ ये देख रहे हैं यहाँ सारे आउटर्स वगैरह हैं, तो आउटर की सारी गर्माई जो है ना, वो यहीं पे आ रही होती है। अभी भी बहुत रश है और मुझे नहीं लगता कि खेल सकेंगे। स्नोकर पे भी रश है और पट्टी पे भी, इससे भी रश है, यहाँ पे भी सब अपना गेम खेल रहे हैं। मेरी दूसरी क्लास का टाइम शुरू हो गया और मैं लेट हो चुका हूँ, 3:06 हो गए हैं। फाइनली इस क्लास के बाद मैं घर जा पाऊंगा। भाई 8 बज गए हैं और मैं अभी घर के अंदर एंटर हुआ हूँ। सुबह 8:30 मेरी पहली क्लास थी और अभी 8 बजे मैं घर के अंदर एंटर हुआ हूँ। तकरीबन 12 घंटे मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेंड करे और यकीन माने बहुत खतरनाक थे। बहरहाल अभी घर के अंदर एंटर हुआ हूँ, घर के अंदर एंटर होते ही पता चला कि भाई दावत में जाना है, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ घर वालों को भेज दूँ और मैं जो है ना घर में आराम करूँ, तो देखता हूँ अगर बहुत ज्यादा थका पाऊंगा तो फिर घर वालों को भेज दूंगा और मैं जो है आराम करूंगा। इस व्लॉग को भी एंड करते हैं, होपफुली आप लोगों ने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा, आप लोगों को काफी मजा आया होगा, मतलब पूरा दिन यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेंड करा है। जो लोग यूनिवर्सिटी जा चुके उनको भी देखने में काफी मजा आया होगा। चैनल को इसी बात पर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और जल्द से जल्द पहुंचे ना। तो इजाजत दें मुझे, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लगातार करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।